to me. I mean, I can be anything. A king, a soldier, an assassin. There are no limits. Endless possibilities. It's sick. What rubbish are you speaking? कहाँ लेके आ रहा है? Why are we here? Hi, I'm Akanksha Srivastav. I'm Rohit Sharma. Hi, I'm Raj Gopal and I'm 16 years old. What does it feel like to be a gamer's parent? One can be an engineer, doctor. अरे खेलना है तो बाहर जाके खेलो. Lawyer, even a dancer. लेकिन इनको तो आंखें फुड़वानी है कंप्यूटर के आगे. Playing games is more like a hobby. मुझे आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया है. तो क्या रही आज क्या होने वाला? आज कुछ क्रेजी होने वाला है. करना क्या है यहाँ पे? तो कैसे हैं आप लोग? अरे शिट, तो गलत तोड़ दिया उनसे. हेलो अंकल, हेलो आंटी, कैसे हो आप? अच्छे हैं बेटा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ आंटी. मेरा नाम है कैरी मिनाटी. मिनाटी तो पहली बार ही नाम सुन रहे हैं. कहाँ से हैं आपके मम्मी पापा? अरे नहीं नहीं अंकल, कैरी मिनाटी मेरा गेमिंग नेम है. मेरा एक्चुअल नेम है अजय नागर. हाँ तो आप बताओ मिनाती जी, आगे करना क्या है? आंटी एकदम सिंपल सा है. आपको आज मेरे साथ खेलना है अपना सबसे पहला वीडियो गेम. और यही मौका है जानने का कि आपके बच्चे चार चार घंटे बैठ के करते गए कमरे में. पहले सब अपने अपने प्लेयर्स के नाम डालो, फिर शुरू करते हैं. अरे नहीं नहीं अंकल, क्या कर रहे हो? गेमिंग नेम थोड़ा कूल होना चाहिए. बचपन में आपको आपके दोस्त क्या बुलाते थे? My friends used to call me Subbu. हाँ, ये हुई ना बात. ये Subbu डालो. सबसे पहले हमारी शुरुआत होगी एयरक्राफ्ट पे. हम सब एक टीम में हैं, तो सबसे सेफ जगह देख के हम बैटल ग्राउंड में उतरेंगे. फिर वेपन्स ढूंढने हैं और अपने आप को और अपने टीममेट्स को प्रोटेक्ट करना है. और जो भी सामने आए मार दो. और फिर जो टीम एंड में सर्वाइव करेगी वो होगी इस गेम की विनर. रेडी? Yes, ready. रेडी हो जाओ, अब बस यहीं पे जंप करेंगे हम. सब एक साथ करेंगे क्या? हाँ हाँ, और क्या. ओके गाइस, तो नीचे पहुंचते ही सबसे पहले वेपन्स ढूंढने होंगे. अभी हम सब अनआर्म्ड हैं. चलो 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 चलो, इस घर में चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा. अरे 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 आंटी, किधर जा रही हो? अरे ये गलती से हो गया. नहीं नहीं, टीम के साथ रहो, साथ रहोगे तो जिंदा रहोगे. अच्छा अच्छा. हाँ ये देखो, मिला ना. अब हर जगह ढूंढो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. हर घर में एक ना एक वेपन जरूर होगा. अरे ये तो मैंने देखा था, आपने ले लिया. अरे आंटी, अपने टीममेट से नहीं लड़ना है. अंकल के पास गन है तो वो आपको कवर देंगे ना. चलो आगे बढ़ते हैं. ओ छुप जाओ छुप जाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो सब. अभी श्रीवास्तव अंकल मरे नहीं है, उनको हम रिवाइव कर सकते हैं. सब जाए वहीं, रुक जाओ. अरे क्या कर रहे हो अंकल? ऐसे गोली थोड़ी ना चलानी है अंधाधुन. पेशेंस रखो, इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी. आप सबको वो गाड़ी दिख रही है? हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए. आई एम अ गुड ड्राइवर, लेट मी ड्राइव. ठीक है अंकल, आप चला लो, कोई दिक्कत नहीं. अरे अंकल क्या कर रहे हो यार, सीधे चलाओ ना. आई एम ओनली ट्राइंग टू फाइंड द रोड. अंकल ये दिल्ली की सड़कें नहीं हैं. नहीं हो पाएगा. बैकअप बैकअप, वी नीड बैकअप. रेडी हो ना भाई लोग? या आई मीन करते हैं साथ मिलकर. सर सर सर, हे नाइस मीटिंग यू मिस्टर मिनाटी. हेलो मैम. हेलो हेलो, आप कमाल के हो सर, आपने बहुत बढ़िया. थैंक यू. बट सर आपकी बेटी ज्यादा टैलेंटेड है. कमाल है, क्या टैलेंट है, इसको प्रोफेशनल प्लेयर बनाओ. गेमिंग में आप अपने बेटे को बीट नहीं कर सकते. आपका बेटा ना
कोहली नहीं है, आपका बेटा गेमर है। उसको क्रिकेट किट की नहीं, उसे इसकी जरूरत है। You know, it was not as easy as I thought it would be. दिमाग लगता है भैया। Team coordination and team spirit. These are the key points. Socializing, teamwork, strategizing. मैं तो बहुत नर्वस हो गई थी, इसने संभाल लिया। But it's a good way to make friendship strong. But you never told me, na? Come up, play with me. I will teach you. ना साथ में खेलना चाहिए। बल्लेबाज वो बनेंगे। हाँ, साथ में खेलना चाहिए। तो ये थी कहानी मेरी और मेरे जैसे लाखों इंडियन गेमर्स की, जिनका पैशन इतना अलग है कि बड़ी मुश्किल होती है यार पेरेंट्स को समझाने में। तुम लोगों ने तो वीडियो देख ली होगी और शायद अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ शायद। बट तुम्हारे पेरेंट्स से ना मैं एक बात करना चाहता हूं। हमने अपनी खुशी तो ढूंढ ली, पर यही खुशी ना दुगनी या चौगुनी हो जाएगी अगर आप लोग इस चीज में हमारा साथ दें। मैं जानता हूं हमारी जनरेशन के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और ये सारी नई चीजें आप लोगों के लिए समझना आसान नहीं है, और कहीं ना कहीं हम भी आपको पुश कर देते हैं और इतना इन्वॉल्व नहीं करते अपनी लाइफ में, पर हम मेहनत करें, शायद हमें कॉन्फिडेंट देख के आपको कॉन्फिडेंस मिले। अपने बच्चों को सपोर्ट करो यार, हम कहते नहीं और दिखाते तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हमको बहुत जरूरत है यार। मैं डाइविंग कहता रहता हूं, पर एक बार आप इनको सपोर्ट करके तो देखो, ऐसी छलांग लगाएंगे ना कोई नहीं रोक पाएगा।